हेलो फ्रेंड्स, आप सबके इतने लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। मैं हूँ रिमी और इस वीडियो पे आप देखेंगे एक बहुत ही यूनिक सी बॉर्डर डिज़ाइन, जिसको आप कोई भी सूट, कुर्ती, टॉप या फिर दुपट्टा की बॉर्डर पे भी कर सकते हैं और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। और अगर आपको इस स्विच बोर्ड के ऊपर इस डिज़ाइन को पसंद है तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और बहुत सारे वॉल पेंटिंग के भी वीडियोज़ हैं, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ एक कुर्ती के नीचे बॉर्डर साइड पे ये डिज़ाइन कर रही हूँ और कलर के लिए हमें यूज़ करना है एक्रेलिक कलर, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। यहाँ पहले हमें लेमन येलो कलर यूज़ करना है और ब्रश के लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्लैट ब्रश नहीं है और अब फ्लैट ब्रश से उतना कम्फर्टेबल नहीं है पेंट करना, तो आप राउंड ब्रश से ईजिली ये काम कर सकते हैं। अब इसके साइड पर भी हमें करना है ऐसे, ये बहुत आसान है। अब यहाँ हमें क्या करना है, अगर आपको थोड़ी शेड पसंद है तो थोड़ी सी डार्क शेड येलो से, मतलब ये गोल्डन कलर, ये लेमन येलो से थोड़ी डार्क है, तो ये कलर ऐसे आप शेड करके यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं बाकी के सारे फ्लावर्स सिंपल रखूँगी। अब नेक्स्ट कलर मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लैश टिंट एक्रेलिक कलर। मैं पहले ही बोल रही थी ये थोड़ी कलरफुल होगी, आपके पास ज़्यादा कलर नहीं है कोई बात नहीं, आप मिक्स करके भी कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमें यूज़ करना है पिंक एक्रेलिक कलर, ये थोड़ी मैं छोटी फ्लावर बना रही हूँ और थोड़ी नीचे बना रही हूँ। अब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज एक्रेलिक कलर, पहले मैं हमेशा ढक्कन से कलर लेके यूज़ करती हूँ क्योंकि ढक्कन में बहुत सारे कलर्स रहते हैं और ये नहीं यूज़ करने से ये वेस्ट होता है इसलिए। या फिर से मैं फ्लैश टिंट यूज़ कर रही हूँ। अब ऑरेंज कलर कलर में वाइट मिक्स करके येलो, थोड़ी लाइट येलो बना सकते हैं, ऐसे मिक्स करके आप बहुत सारे शेड बना सकते हैं। और ये कलर में आपको मीडियम यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये कलर वैसे ही बहुत ही पतला है और कलर करने में भी बहुत आसान होता है, तो मीडियम यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और कपड़े के ऊपर हम जब पेंट करते हैं तो क्या होता है, ब्रश थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो इसके लिए आप थोड़ी पानी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी करती हूँ, थोड़ी पानी कभी कभी मिक्स कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत ड्राई हो जाती है। बट मैं कभी और जब भी वॉल पर हमें पेंट करना हो तो कभी भी पानी का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो वो टपक के कलर पेंट एकदम ख़राब कर देती है। यहाँ फिर से मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ, तो आप देखिए फ्लावर तो हमारी बन गई है ऐसे। आपकी बॉर्डर और ज़्यादा ब्रॉड है तो आप ज़्यादा फ्लावर्स भी बना सकते हैं। अब यहाँ हमें ऐसे देख सकते हैं ऐसे ब्रांचेस की पेंटिंग करना है और ब्रश के लिए मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, 0 नंबर की राउंड ब्रश और स्काई ब्लू एक्रेलिक कलर। मेरी ये ड्रेस थोड़ी डार्क कलर है इसलिए बहुत सोच के मैं कलर चूज़ कर रही हूँ। अगर आप लाइट कलर के ऊपर ये पेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारे कलर्स हैं, आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लाइट कलर के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सारे कलर्स ऑलमोस्ट हो जाते हैं उसके ऊपर। कलर करने के टाइम ध्यान दीजिए क्योंकि कलर हाथ पे ना लग जाए और हाथ से फिर ड्रेस के ऊपर लगता है, और ये कलर थोड़ी ड्राई होने के बाद ये इम्पॉसिबल है इसको उठाना। दुपट्टे के ऊपर भी बहुत सारे डिज़ाइन है मेरे, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं नेक्स्ट पिछले वीक में मैं जो वीडियो डाली थी आप सबने बहुत ही पसंद किया। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं। और अब
हमें क्या करना है, ऐसे छोटी छोटी एक ब्रांचेस की तरह एक करना है, बस छोटी छोटी, ये बहुत लंबा नहीं होगा। सेम ब्रश से हमें करना है और सेम कलर स्काई ब्लू एक्रेलिक कलर। मैं यह कॉटन की, ये मेरी ड्रेस है तो मैं कॉटन के ऊपर कर रही हूँ, इसलिए मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कोई भी सिल्क के ड्रेस के ऊपर ये पेंट करना चाहते तो एक्रेलिक कलर से मत कीजिए, ये एक्रेलिक कलर से नहीं होता है, वो पीछे से पूरा आ जाते हैं कलर और करना इम्पॉसिबल होता है। तो आपको क्या करना है, पार्ल मेटेलिक कलर जो कि मार्केट में वो भी आपको मिल जाएगी, वो कलर थोड़ी इस कलर से अकॉर्डिंग थोड़ी वो ठीक होता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सिल्क के ऊपर कलर करने में, और थोड़ी ग्लिटरी शाइन भी है। पार्ल मेटेलिक कलर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पार्ल मेटेलिक कलर। अब यहाँ हमें यूज़ करना है वाइट कलर। मैं सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ, 6 नंबर की फ्लैट ब्रश। आप बहुत ही आसानी से राउंड ब्रश से ये काम कर सकते हैं, बट पर्सनली मुझे फ्लैट ब्रश बहुत पसंद है, इससे काम बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए मैं ये फ्लैट ब्रश यूज़ करती हूँ। আর যদি তোমরা বাঙালি হও তো আমাকে প্লিজ বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, কোনো ব্যাপার না, যা জানতে চাও সবই আমাকে বলতে পারো, আমার খুব ভালো লাগে তোমরা যখন আমাকে বাংলায় কমেন্ট করো। আর আগার আপকো কনসি ডিজাইন আপ দেখনা চাহতে তো প্লিজ মুঝে কমেন্ট করকে বতানা জরুর, মে ট্রাই করুঙ্গি বহুত জলদি সে আপকো ও ডিজাইন দিখানে কে লিয়ে। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है आप जब कमेंट करके मुझे स्पेशली मुझे कोई रिक्वेस्ट करते हो, तो ऑनेस्टली बोल रही हूँ बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए, और कोई प्रॉब्लम हो रही है कलर करने के टाइम तो प्लीज़ वो भी मुझे बोल सकते हैं। आलू से भी आप बहुत सारे डिज़ाइन है ड्रेस के ऊपर पेंट कर सकते हैं, उसके भी लिए मैं बहुत सारे मेरे पास वीडियोज़ हैं, आप चाहे उसे भी देख सकते हैं। यहाँ मैं व्हाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, पोटैटो ब्लॉक से पेंट करना बहुत आसान होता है, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरे कुशन के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप चाहे तो उसे भी देख सकते। अब यहाँ हमें क्या करना है, बस छोटे छोटे डॉट्स करना है। इससे क्या होता है, ये मैं राउंड ब्रश से कर रही हूँ, ये डिज़ाइन और भी खूबसूरत लगती है, बस ये छोटे छोटे डॉट्स है। मैं इसके लिए कोई मार्क कुछ नहीं की, बस ऐसे मुझे जहाँ मुझे लग रहा है यहाँ देने से अच्छा लगेगा, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और आफ्टर पेंटिंग ये कुछ नहीं होता है, आप कर सकते हैं अपने ड्रेस के ऊपर, क्योंकि सारे पेंट मैं खुद की ड्रेस के ऊपर करती हूँ, और मैं जब ड्रेस पहन के मैं बाहर जाती हूँ तो सारे मुझे पूछते हैं ये बहुत सुंदर है, ऑनेस्टली सभी मुझे बोलते हैं बहुत बहुत सुंदर है, और सब मुझे बनाने के लिए भी बोलते हैं, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो आप बना सकते हैं ये डिज़ाइन देख के, और कोई प्रॉब्लम कुछ भी हो तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। अब यहाँ जो जो कलर हमने यूज़ किया है उस कलर से ही एक दो फ्लावर्स छोटे छोटे हमें बनानी है। और बस आपको थोड़ी सी ध्यान देना है वॉश करने के टाइम, कभी भी आप मशीन में वॉश मत कीजिए ड्रेस को, कभी भी नहीं, बट मैंने गलती से एक दो बार कर ली थी मशीन वॉश, बट थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ, बट आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए मेरी तरह, थैंक गॉड मेरा कुछ नहीं हुआ, कलर उठा नहीं, बट आप ऐसा ना कीजिए, आप हाँ नॉर्मली हाई एंड वॉश कीजिए। इसके लिए भी मेरे 2 वीडियोस हैं, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अब ये नीचे सारे आप देख सकते हैं, सारे ब्रांचेस के नीचे हमें ऐसे लीव्स बनानी है वाइट कलर से। आई होप आपको इस वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी एक ब्लॉग की चैनल है जो कि एकदम नई है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक यू।